नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम आपको 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो SST सोशल साइंस का है हिंदी मीडियम में, आप यहां पे देख सकते हैं। मैंने NIOS के सभी स्टूडेंट के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैंने 18 क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको एक बार ज़रूर देखें, एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको ज़रूर पढ़ें। ये एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का परसेंटेज अच्छा हो, स्कोर अच्छा हो, इसलिए आप ये क्वेश्चन ज़रूर देखें। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी है। आप इनको याद करें और अपना तैयारी करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या आप सोचते हैं कि इतिहास का पाठ्यक्रम जरूरी है? अपने विचारों के साथ लिखिए। इसका क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिए, इसको याद कीजिए। और इसके साथ चलते हैं हम, दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका 2। दो नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के समाजीकरण के लिए अन्य ज्ञान सामान्य विज्ञान से कैसे संबंधित है? इसका आंसर नीचे दिया गया है। अब चलते हैं हम तीसरा नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका आंसर नीचे दिया गया है, इसका आंसर आप लोग देखें और तैयारी करें। और अब चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। चौथा क्वेश्चन है भारतीय सभ्यता पर एक टिप्पणी लिखिए। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसको देखें और अपना तैयारी करें। ये सोशल साइंस हिंदी मीडियम का है। और अब चलते हैं हम पांचवा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा करें। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया आपका। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसको आप ज़रूर देखें, ज़रूर याद करें। उसके बाद अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, ये 2011 में आ चुका है, ये क्वेश्चन जो है 2011 में आया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर से ज़रूर याद कर लें, पढ़ लें एक बारी, ताकि आपको हेल्प मिल सके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। शायद ये सातवां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय सभ्यता सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को स्पष्ट कीजिए। मध्यकालीन भारतीय सभ्यता सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2012 में आ चुका है एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, याद करें। आप अगर आधा घंटा भी पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट में, और इस तरह से सेलेक्ट करके अगर आप पढ़ेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप फेल होंगे। बहुत ही इजी है पास होना, सिर्फ आपको ट्रिक आना चाहिए किस तरह से हम क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और कैसे हम अपना एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ताकि हम आसानी से पास नंबर तक ला पाएँ। औद्योगिक श्रमिकों की उस स्थिति का वर्णन करें जिसने क्रांति को प्रभावित किया है। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से हमारे पास 18 क्वेश्चन है आज के लिए। तो हम चलिए देखते हैं अब 9th क्वेश्चन कौन सा है।
नौ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की जांच कीजिए। ये नौ नंबर का क्वेश्चन है। और अब चलेंगे हम दसवें नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइम के लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। और इसको पढ़ने से आपको बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने ये क्वेश्चन पढ़े हैं, हो सकता है एग्जाम में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। तो आप अगर ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो दसवें क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक परिणाम क्या थे, लिखिए। 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको अवश्य देखें। अब चलते हैं हम 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, ग्यारह नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन 2011 में भी आया हुआ है और 2012 में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी 18 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आप आसानी से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, और मे बी कि इससे कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं एग्जाम में, और नहीं भी आए तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप इसको करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं या इसको समझ लेते हैं, तो आपके जो और भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, तो वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन ये है आपका, अस्थाई बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त के बीच में भेद बताइए, अंतर स्पष्ट करना है अस्थाई बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त के बीच में। तो इसका आंसर नीचे दिया गया है, आप देख लें, पढ़ लें। और इसके बाद हम चलेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रशासन तथा न्यायिक प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और साथ ही मैंने इसका आंसर्स भी दिया है ताकि बच्चों को पढ़ने में सुविधा मिले, याद करने में उसको दिक्कत ना हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं। 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एनआईएस के एग्जाम में। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये एनआईएस का है, 10वीं क्लास का सब्जेक्ट आपका है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखें। क्वेश्चन के साथ आंसर दिया गया है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। 14 ये 15 नंबर का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, ये 2010 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग में सारे पूछे गए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तब तक आप 18 क्वेश्चन याद कीजिए, मैं अगला वीडियो के साथ 20 क्वेश्चन के साथ आऊँगा।